नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट्ट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापपुर अग्निकांड से पीड़ित परिवार से मंगलवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार मिले। वहीं इस दौरान उन्होंने मौके पर प्रभावित लोगों के लिए टेंट, आशियाना एवं जनरेटर का व्यवस्था कराया। उन्होंने लोगों से कहा कि आप घबराएं नहीं, आप सबों का खाना की व्यवस्था फिलहाल सरकारी स्तर पर हो रही है। मैं पुनः कल 12 बजे आपके साथ बैठूंगा एवं आपकी अपनी व्यवस्था होने तक आपके खाने पीने का हर स्तर पर मैं एवं मेरे स्थानीय साथी प्रबंध करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि डीएम से शीघ्र रेड क्रॉस के माध्यम से भी पीड़ित गरीबों के बीच राहत मुहैया कराने की मांग की है। मरवन प्रखंड के भटौना गांव में खड़े हैं। यहां हृदय विदारक घटना कल के रात घटी है। जान माल का क्षति हुआ है, मवेशी मरे हैं, आदमी जलकर मरा है। साथ ही रक्षा गांव में कन्हाई महतो के घर में भीषण अग्निकांड अभी प्रतापपुर में हुआ है। कल ही ये महरथा गांव में शंभु शाह के भतीजी का थ्रेसर में दुर्घटना होने से मृत्यु। लगातार 24 घंटे के अंदर में कई घटनाएं घटी है। हम सब काफी मर्माहत हैं, काफी दुखी हैं, लोग काफी परेशान हैं। सरकार के द्वारा राहत जो दिया गया है बिल्कुल अपर्याप्त राहत है। 9800 रुपया सब कुछ जल जाने के बाद कोई राहत नहीं होता है। हम मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि 9800 रुपया जो आपने ये फायर रिलीफ में प्रति परिवार देने का आपका नियम है, इसमें परिवर्तन करिए और कम से कम 25,000 रुपया तत्काल जिनका घर जलता है उनको दीजिए। दूसरा कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का सीधा लाभ पीड़ित परिवार को 15 दिन के अंदर उपलब्ध हो, ताकि इस गर्मी के मौसम में वो अपना सर उसके नीचे रख सके। और कुल मिलाकर कांटी क्षेत्र में बड़ा ही हृदय विदारक घटना हुआ है। हम सब काफी परेशान हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा हो रहा है ये नियंत्रित करने के लिए आप निश्चित रूप से आगे आइए, ताकि जान माल का सुरक्षा हो। क्योंकि अभी कोरोना में सब लोग परेशान हैं और यहाँ अग्निकांड से भीषण स्थिति पैदा हो गई है। इसके रोकथाम के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं।